अब पिलासकानी का थाट भैरवी है, परंतु अंग तोड़ी है, लेकिन पास का राग भैरवी क्यों हुआ? क्योंकि जो शरीर है वो तो भैरवी का है, क्योंकि बिलासखानी में सारे स्वर कोमल हैं, लेकिन फिर भी राग अलग कैसे दिखेगा वो आपको अभी दिख जाएगा। देखो, मैंने गंधार पे मुर्की ले ली और जो धीर्धता थी, गारे, इतना स्लोली मैं नहीं लूँगा, नहीं तो तोड़ी की छाया आ जाती है भैरवी पे। भैरवी क्या कहती है? गामा पाधा पा। पहली बात, मध्यम शुद्ध है भैरवी में, तोड़ी में तीव्र है। गामा पाधा पा मा गरे गरे सा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आश्रय राग की पकड़ भाग नंबर 2 अर्थात माइनर आश्रय राग आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, उसकी मुख्य स्वर संगतियां क्या क्या हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें, प्लस उन आश्रय रागों की जो पास की राग है, मतलब सम प्राकृतिक राग कौन कौन सी है, प्लस उनकी मुख्य स्वर संगति क्या है, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ, वो मैं लेके आया हूँ। इससे पहले वाला लेक्चर, मतलब आश्रय राग भाग नंबर 1, जिसमें मैंने मेजर आश्रय राग बताई थी, उसमें मैंने आश्रय राग का अर्थ भी आपको क्लियर किया था और उसका क्या महत्व है वो मैंने आपको बता दिया था। आज बची हुई जो बाकी 4 आश्रय राग थी, जो कि माइनर आश्रय राग अर्थात जिसमें गंधार कोमल लगता है दोस्तों, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मतलब काफी, असावरी, तोड़ी और भैरवी, ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई करें, क्या इनकी मुख्य स्वर संगति है, क्या इनकी पकड़ है दोस्तों, और इनके संप्राकृतिक राग कौन कौन से हैं और उनकी क्या मुख्य स्वर संगति है, ताकि आपको डिस्टिंग्विश करना आ जाए। इस लेक्चर के साथ 10 आश्रय राग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 6 आश्रय राग की मुख्य स्वर संगतियाँ, उसके साथ उनके संप्राकृतिक राग की मुख्य स्वर संगतियाँ मैंने आपको क्लियर कर दी थी, खमाज, कल्याण, बिलावल, मारवा, पूर्वी और भैरव। इन 6 आश्रय रागों को मैंने डिस्कस कर लिया था। आज अपन माइनर आश्रय राग लेंगे अर्थात जिसमें गंधार कोमल है। तो आइए शुरुआत करते हैं गजब का लेक्चर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर कुछ भी बेनिफिट हो तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा, मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गजब के लेक्चर की। देखिए, पहली राग जो आज हम ले रहे हैं वो है राग काफ़ी। अब राग काफ़ी की मुख्य स्वर संगति क्या है, कैसे हम उसको फटाफट आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, काफ़ी थाट ऐसा है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा रागें क्लासिफाई होती हैं, क्योंकि काफ़ी में एक तो ग और नी कोमल है, इससे बनने वाले रागांग राग बहुत सारे हैं, जैसे सारंग, कानड़ा अंग, मलार के अंग और बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो कि काफ़ी से निकलते हैं, जैसे बरवा, पीलू। पीलू तो इसका संप्राकृतिक राग है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काफ़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राग है। ये ठुमरी के अंग से भी बहुत इम्पॉर्टेंट राग है, मतलब सेमी क्लासिकल के अंग से भी, और उसके अलावा लाइट में अगर हम बात करें तो उसमें भी उसका बहुत महत्व है। मैं काफ़ी पे जब लेक्चर्स बनाऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, परंतु आज काफ़ी की मुख्य स्वर संगति, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई राग काफ़ी। रे गा रे, रे गा मा पा, मा पा गा रे, रे गा रे सा, रे मा मा पा। इससे काफ़ी आप फटाफट पकड़ लेंगे, मतलब ये इसकी मुख्य स्वर संगति जो इसमें बार बार आती है, रे गा रे गा मा पा, मा पा गा रे गा रे सा। पंचम इसका वादी है और संवादी इसका षड्ज है, परंतु अगर मैं गायकी के पक्ष से देखूं तो संवादी ऋषभ होना चाहिए, क्योंकि ऋषभ बहुत इंपॉर्टेंट स्वर है राग काफ़ी में, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल चीज़ कुछ और होती है और शास्त्र में कुछ और लिखी होती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ समझाई। रे गा रे गा मा पा, मा पा गा रे सा, ये वाली चीज़। अब मज़े की बात देखिए दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्वर संगति एक और राग है राग पीलू। हालांकि शास्त्र, कई शास्त्रकार ये कहते हैं कि काफ़ी का कोई भी सम प्राकृतिक राग नहीं है, बट शर्त है कि शुद्ध गंधार का प्रयोग हम
ना करें, क्योंकि ठुमरी में हम देखते हैं शुद्ध गंधार का प्रयोग काफ़ी में मिल जाता है। लेकिन काफ़ी के संपर्क करते राग कौन कौन से हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो है राग पीलू, सा गा रे गे सानी। देखिए शुद्ध निषाद लगा दिया मैंने, यहाँ से काफ़ी से अलग हो गई पीलू, गा रे सानी पद मा पद ने सारे पग रे गा रे सा। एक तो गा रे गंधार, कोमल गंधार का मैं धीर्घ प्रयोग कर रहा हूँ, आराम से मैं गंधार से ऋषभ पे जा रहा हूँ, ये काफ़ी में नहीं आती चीज़। काफ़ी में रे ग रे रे गा मा प ग रे, जबकि पीलू में गा रे गा रे सानी पनी सारे प ग रे सानी पद मा पद ने सा। तो इसका संप्रकृतिक राग पीलू, हालांकि एक राग और है किरवानी, रे गा मा पा धा पा, कोमल दैवत का प्रयोग हो गया, यहाँ से काफ़ी अलग हो जाता है। लेकिन रे गा मा पा ये वाला अंग किरवानी में आता है, जो कि काफ़ी अंग का सूचक है, रे गा मा पा धा पा ग सा रे धा पा, अब धा पा ग पा ग सा रे पा ग सा रे। तो ये देखिए साउथ इंडियन राग किरवानी में काफ़ी गांग दिख रहा है। तो एक संप्रकृतिक राग के रूप में हम किरवानी को भी देख सकते हैं। और अगर मैं डीप जाऊं तो एक राग है जय जयवंती, जय जयवंती में भी रे ग रे धनी रे ग रे ने सा, अब नी शुद्ध लग गया सा, यहाँ से काफ़ी से अलग हो गया, क्योंकि काफ़ी में तो नी कोमल है। तो ये कुछ पास के राग हैं काफ़ी के, हालांकि इन सब राग पे मैं डिटेल्ड में लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा भी पर्पस है आशय राग को डिटेल्ड रूप में उसकी मुख्य स्वर संगतियों को और उसके पास के राग की मुख्य स्वर संगतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना। दूसरा जो मैं राग ले रहा हूँ माइनर आशय राग में, उसका नाम है दोस्तों राग आसावरी। अब देखिए आसावरी में ग ध नी कोमल है, ठीक है, ये थाट की बात हो गई, मैं राग की बात कर रहा हूँ। कौन सी मुख्य स्वर संगति है जिससे आसावरी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी? मा पा धा मा पा ग रे, देखिए थोड़ा बहुत काफ़ी अंग भी आता है, लेकिन मा पा धा कोमल हो गया, मा पा धा मा पा ग रे रे मा पा पालूं तुझे तो, कोयला का गाना याद आ गया, रे मा पा पा धा है ना, तो मा पा धा मा पा ग रे मा पा, ये आसावरी का मुख्य अंग है। इसके पास की राग जौनपुरी, आसावरी के आरोह में कोमल निषाद लगा दूं तो जौनपुरी बन जाता है। हर राग पे लेक्चर मिलेगा, अभी मुख्य स्वर संगति आप समझ लीजिए ताकि ये बेसिक्स राग के आइडेंटिफाइबल स्वर जो हैं वो आप पकड़ पाएं। मा पा नी धा पा धा मा पा ग रे मा पा, देखिए मा पा नी धा पा, ये आसावरी में नहीं आया, आसावरी में क्या क्या था, मा पा धा मा पा ग रे मा पा, जबकि जौनपुरी मा पा नी धा पा मा पा नी धा पा मा पा ग रे मा पा। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, आप जो मेरा इंट्रो वीडियो देखते हो उसमें आप एक चीज सुनते हो, नी रे नी धा पा, उसमें राग जौनपुरी का तड़का मारा है मैंने, नी रे नी धा पा, ये भी राग जौनपुरी है। एकदम रिलेटेबल जो चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो। तीसरा राग जो मैं ले रहा हूँ दोस्तों वो है राग तोड़ी। अब तोड़ी को मियाँ की तोड़ी भी कहते हैं, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। मुख्य स्वर संगति कौन सी है वो देखिए, धा पा मा ग रे ग रे सा, धा पा मा ग रे ग रे सा। ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल, मध्यम तीव्र, निषाद शुद्ध, ये तोड़ी है। धा पा मा ग रे
गरे सा। तोड़ी के पास का राग है गुजरी तोड़ी। अगर पंचम को मैं ऑल टुगेदर वर्जित कर दूं, मतलब जाति क्या हो जाएगी, शाडव शाडव। तोड़ी की जाति संपूर्ण है, परंतु आरो अवरो दोनों में पंचम वर्जित कर दूं तो गुजरी तोड़ी हो जाती है। तो गुजरी तोड़ी की पकड़ क्या है, जो कि इसका संप्रकृतिक राग है, नीधामा गरे गरे सा। ये गुजरी तोड़ी हो गया। पंचम को मैंने टच नहीं किया, जबकि तोड़ी जब गा रहा था धा पा गरे गरे सा, और गुजरी नीधामा गरे गरे सा। मजे की बात बताऊं, गरे गरे सा ये तोड़ी अंग कहलाता है। जब राग तोड़ी आपको कराऊंगा तो डिटेल में इस चीज़ को मैं डिस्कस करके चलूंगा और तोड़ी के बहुत सारे प्रकार मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज का जो लास्ट राग अपन ले रहे हैं वो है राग भैरवी, सदा सुहागन जिसको कहते हैं। दुनिया अंत हो जाएगी लेकिन इस राग का कभी अंत नहीं होगा, इसलिए इसको सदा सुहागन कहते हैं। भैरवी की पकड़ कौन सी दोस्तों, किस स्वर संगति से हम भैरवी को पकड़ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो गामा पधा पामा गरे गरे सा। अब देखो थोड़ी थोड़ी के स्वर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन गरे सा। मैंने गंधार पे मुर्की ले ली और जो धीर्धता थी गरे गरे, इतना स्लोली मैं नहीं लूंगा, नहीं तो तोड़ी की छाया आ जाती है भैरवी पे। भैरवी क्या कहती है, गामा पधा पा। पहली बात मध्यम शुद्ध है भैरवी में, तोड़ी में तीव्र है, गामा पधा पा मा गरे गरे सा। ये भैरवी हो गई। भैरवी के पास का राग तानसेन जी के पुत्र थे विलास खान, उनकी एक बनाई हुई राग है विलास खानी तोड़ी। अब विलास खानी का थाट भैरवी है, परंतु अंग तोड़ी है, लेकिन पास का राग भैरवी क्यों हुआ, क्योंकि जो शरीर है वो तो भैरवी का है, क्योंकि विलास खानी में सारे स्वर कोमल हैं, लेकिन फिर भी राग अलग कैसे दिखेगा वो आपको अभी दिख जाएगा। देखो सारे गा पा धामा गरे गरे नीद सा, जबकि भैरवी में मैं कैसे आ रहा हूँ, गामा पधा पामा गरे गरे सा। ये भैरवी, जबकि विलास कानी धामा गरे गरे नीद सा। दोनों में फर्क पता चला, जो उसका न्यास का स्वर है, मतलब मध्यम और षडज, न्यास का स्वर है भैरवी का, जबकि विलास खानी में मध्यम इतना न्यास का स्वर नहीं है। देखिए धामा गरे गरे सा, जबकि भैरवी में अच्छे से रुकते हैं मध्यम पे। तो इस प्रकार ये दोनों राग एक स्वर होते हुए भी अलग नजर आते हैं। तो ये हमारा दसवां आश्रय राग हुआ राग भैरवी, इसकी मैंने आपको पकड़ बताई और इसके पास के राग की भी मैंने आपको पकड़ बताई। तो ये हमारा लेक्चर आज भाग नंबर दो आश्रय राग के संबंध से आज कंप्लीट होता है दोस्तों। इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा जिसमें मेजर आश्रय राग बताएं। आज के पार्ट में मैंने चार माइनर आश्रय राग बताए, काफ़ी असावरी भैरवी और तोड़ी, और इसके संप्रकृतिक राग पे भी अपन ने चर्चा की, ताकि आप आश्रय राग को तो आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसके साथ साथ उनके पास के राग की भी आपको नॉलेज हो। इन सब रागों पे आपको डिटेल में लेक्चर्स मिल जाएंगे। दो पे तो मैंने ऑलरेडी बना दिया, खमाज और यमन, इसके अलावा बिहाग पे भी मैंने लेक्चर बना दिया है। आगे आपको रागों पे भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे आता रहूँगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति।